अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर उमर फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान गोंदल जो कि चाइना से MBBS कर रहे हैं। मजीद अपना इंट्रोडक्शन ये आपको देंगे डॉक्टर ज़ीशान अपने बारे में। स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा आपको ऑलरेडी जानते हैं और जो स्टूडेंट्स आपको नहीं जानते उनके लिए आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आई एम सो हम्बल उमर, आपने मुझे अपने स्टूडियो बुलाया और पहले सबसे पहले मैं इस प्लेस का बताना चाहूँगा, इट्स अमेजिंग। उमर, मैं फाइनल ईयर के एग्जाम हो चुके हैं मेरे और अभी मैं 1 ईयर के लिए दोबारा चाइना जा रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी आप कह सकते हैं कि मैं एक जूनियर डॉक्टर हूं। ज़ीशान, एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि अगर पाकिस्तान में हमारा एडमिशन नहीं हुआ MBBS में, अगर गवर्नमेंट नहीं हुआ या इसके अलावा अगर प्राइवेट कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या इवन कोई स्टूडेंट्स होते हैं जिनका प्राइवेट भी नहीं होता और MDCAT फेल कर देते हैं, तो वो सोचते हैं अब्रॉड MBBS के लिए, तो उनके सामने बहुत सी ऑप्शन आ जाती है, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जर्मनी, UK, USA, तो इन सब में से चाइना को क्यों प्रेफर करें स्टूडेंट? अच्छा उमर, सबसे पहले ना मैं जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, मैं हमेशा बच्चे जो भी है चाहे वो उसने FSC में इतने नंबर लिए हैं नहीं लिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चा अपने इनपुट अपने वर्क में डाले, वो यहाँ के एग्जाम MDCAT के लिए जान मारे। अचीवमेंट है बहुत बड़ी अगर आपका यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में हो जाता है, जैसे आप खुद CMH में पढ़ रहे हैं, अगर किंग एडवर्ड में एक बच्चे का हो जाता है, AKU में हो जाता है, अल्लामा इकबाल में हो जाता है, बताने के लिए मुआशरे में, रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए, वालदैन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इज़न्ट दैट? लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करने के बावजूद उन्होंने MDCAT में पूरी जान मारी है, उन्होंने डेडिकेटेडली पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे MDCAT नहीं पास कर पाए, इसमें कसूर उनका भी नहीं है। आपको पता है, मुझे पता है, जो हम यूट्यूबर्स हैं या जब मेडिकल में आप जाते हैं और साथ में आप लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, हम एक वीडियो बना के हटते हैं PMC के अकॉर्डिंग, दूसरे दिन PMDC आ जाती है, एक दिन PMDC के मुताबिक सिलेबस आता है, दूसरे दिन PMC के मुताबिक आ जाता है, बच्चा अपने ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रहता है पूरे होल प्रोसेस में, जो कि एक बहुत मेन फैक्टर है कि बच्चा MDCAT में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें नहीं कारकर्दगी दिखा सकता। अब उन बच्चों के लिए चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, यूरोपियन कंट्रीज, ये सब अवेलेबल हैं MBBS के लिए। पहली बात तो यह है कि MBBS पे आपकी लाइफ खत्म नहीं हो जाती। जो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम खुद अभी एक डॉक्टर इस बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं, हम आपको बता सकते हैं कि MBBS इतना हाईली पेड जॉब नहीं है। इसीलिए नंबर वन थिंग कि अगर आप पैसे के लिए जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके बजाय IT में जाएं, किसी और चीज में जाएं। अब चलिए बात करते हैं चाइना की, जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैं इसके पीछे थोड़ी स्टोरी इसलिए सुना रहा था कि MBBS इज नॉट द थिंग जो कि बस आपको इसके इर्द गिर्द ही आपने रहना है। लेकिन अब चलते हैं उन बच्चों के लिए बात करते हैं जिन्होंने MBBS ही करना है और पाकिस्तान में उनका एडमिशन नहीं हुआ। अब किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, ये वो 3-4 कंट्रीज हैं जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री PMC के अकॉर्डिंग आप देख लें तो अच्छी नहीं है। PMC के एक फैक्टर है। अब ग्राउंड रियलिटीज में आते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, आप लोगों को पहले से मुझे पता है, जो मुझे मेरे YouTube चैनल पे देखते हैं, आपको पता है कि मैं कभी भी जो बात होती है अंदर की हो बाहर की हो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपके डिसीजन लेने में आसानी हो सके। वहां पे कुछ साल पहले ये भी होता रहा है, अगर 5 साल की डिग्री है ना तो आपने अगर फीस ज्यादा दे दिया तो वो 3 साल में आपको डिग्री पकड़ा देंगे। समझ रहे हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड है? बहुत सारे दोस्त हैं मेरे खुद जो इस चीज के एविडेंस हैं, जो खुद ये चीज जिन्होंने मुझसे बोली है कि अगर आप फीस ज्यादा पे करेंगे आपके हाथ में वो डिग्री पकड़ा देंगे। ऐसा कौन से कंट्री में भाई होता है कि आपको बिना पढ़े पैसे दिए MBBS की डिग्री पकड़ा दी है? बंदे मारने वाले आप डॉक्टर बनोगे? आपने इंसान की जिंदगी आपके हाथ में जानी है, ये एक नोबेल प्रोफेशन है। अगर कोई यूनिवर्सिटीज इस तरह बिहेव अपने स्टूडेंट के साथ कर रही हैं, ये हो गया एक फैक्टर जो कि बड़ा मेन फैक्टर था ब्लैक लिस्टिंग में। दूसरा फैक्टर है, हम अपने आंसर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों की ये जिंदगी और पैसे का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो एजेंट्स के बातों से, जी वहां पे बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, वहां पे आपकी जिंदगी संवर जाएगी, ए यूनिवर्सिटीज हैं, आपको पता नहीं बला बला क्या क्या बताएंगे वो, लेकिन जो स्टूडेंट वहां पे पढ़ रहे हैं वो रियलिटी बताएंगे, हम रियलिटी आपको बताएंगे, ये नहीं बताएंगे क्योंकि इनको पैसे चाहिए। जब पैसा बोलता है तब दीन ईमान, तब सब कुछ चीजें चुप कर जाती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरा फैक्टर अब ये है कि वहां पे जब आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम में पैसे देके आप पास कर सकते हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर आप एक जॉब करने वाले बंदे हैं या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आप साथ में पढ़ भी रहे हैं, तो आप प्रेफर क्या करेंगे, पैसे बनाने को या पढ़ने को? टिपिकल माइंडसेट यही होता है ना कि पैसा बनाओ, और जब पैसा बन गया अब पढ़ाई क्या, पैसे देके एग्जाम पास कर
लो, एक तो ये भी फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर, वहां पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है, वहां पे बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं उन लोगों ने पीप ला के पाकिस्तानी बच्चों को मारा भी है, अगर ये बच्चे बाहर जा रहे हैं इनको लूटा भी है, सिक्योरिटी के भी बड़े इशू है। चाइना में गिन के 3 केसेस ऐसे हुए अभी तक, और वो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट का ही कसूर था। जो इस तरह के केसेस हुए ना, वो भी हमारा कसूर था जो पाकिस्तानी बच्चे थे। अब पब में अगर आप जा रहे हो, किसी नाइट क्लब में आप जा रहे हो, वहां पे सबने पी हुई है, सबने यू नो ड्रिंक की हुई है। अब ड्रिंक की हुई और पागल बंदे में कोई फर्क नहीं है, अगर आप उनसे लड़ोगे या उनको कुछ बात करोगे वो तो मुंह पे मारेंगे ना, ये फैक्टर हो गया। अब चलते हैं चाइना, वाई चाइना। नंबर वन थिंग आपने देखना होता है कि यार यूनिवर्सिटी जिसमें आप ले रहे हो वो सिक्योर है या नहीं है, जो आपकी डिग्री आपको मिलनी है वो सिक्योर है या नहीं है। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ डिटेल में करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन बड़े इजी, यू नो सब क्वेश्चन जितने भी एक इंसान के दिमाग में आते हैं वो इजी है। मेन क्वेश्चन होता है वाई चाइना। अब ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, पीएमसी का मसला है, वहां पे सिक्योरिटी का मसला है, वहां पे यू नो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट दैट मच गुड, आपके कमीशन के बेसिस पे भेज देंगे यहां से, वहां पे आप जाएंगे तो आपकी आंखें बाहर आएंगी कि मैंने किया क्या अपनी लाइफ के साथ। नाउ कम टू चाइना। चाइना में नंबर वन थिंग ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप पैसे दे के पास हो जाओ। वहां पे जॉब्स पहले इलीगल थी, अब उन्होंने लीगल की हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं अभी तक कोई, लाइक उन्होंने प्रॉपर एक तरफ रूल बना के चल रहे हैं, वो दे आर लीडिंग टूवर्ड परफेक्शन, कोशिश कर रहे हैं कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन दें। यहाँ पे कुछ चाइना में भी यू नो बहुत सारे एजेंट हैं जो कि फेक चीजों को प्रमोट करके वहां पे एडमिशन बच्चों का दिलवा रहे हैं। ये चाइना का कसूर नहीं है, ये उस पाकिस्तानी कुछ बदनीयत लोगों का कसूर है जो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। फेक स्कॉलरशिप, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज चाइना में MBBS की 1% सिर्फ यूनिवर्सिटीज यू नो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, लेकिन यहाँ हर एजेंट से आप सुनोगे जिस स्कॉलरशिप पे आपको एडमिशन मिल रहा है। अच्छा, एक चीज इधर मैं भी क्लियर करना चाहूंगा, चाइना के अलावा स्पेशली बहुत से कंट्रीज में आपको इस तरह से कहा जाता है, आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए आपको स्कॉलरशिप देंगे, 10% देंगे, 20% देंगे, 30%। वो ऐसा कुछ स्कॉलरशिप नहीं होती, वो उसको स्कॉलरशिप नाम दे देते हैं। अब जैसे आपके एक्सपेंसेस में अप्रॉक्सीमेट वैसे बता रहा हूँ, अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी उनकी अपनी जो है 12 लाख है, तो वो आपको 20 लाख बताएंगे, 20 लाख फ़ी है आपको, हम इतने FSC मार्क्स पे आपको इतने परसेंट जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो वो जो उनकी ऑफिशियल फ़ी जो है 12 लाख है, और परसेंटेज पे कह के आपकी 20 से हमने 12 लाख कर दिए। तो स्कॉलरशिप एज सच MBBS में नहीं हो, ऑलमोस्ट मैक्सिमम यूनिवर्सिटी, बहुत रेयर केसेज होंगे, जैसे क्यूबा की एक स्कॉलरशिप आती है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ऑलमोस्ट वो भी बहुत से एप्लीकेंट्स होते हैं, तो एज सच जो है स्कॉलरशिप वगैरह जो है MBBS में नहीं होती। जर्मनी में होता है फ्री MBBS, लेकिन वो भी 20 से 25 लाख आपका यहाँ पे लगता है, फाउंडेशन ईयर होता है उनका, जैसे यहाँ FSC 2 साल की है वहाँ 3 साल की है, उनका एक फाउंडेशन ईयर होता है वो आपने करना होता है, उसमें आपके 20-25 लाख लग जाते हैं, और जर्मन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है, और पूरा एक साल का जो है प्रोसेस यहाँ से जाने में होता है, फिर आगे आपने जो है वहाँ जाके एक फाउंडेशन ईयर करना है, और उसके बाद 6 साल का वहाँ आपने MBBS करना है, तो ये 8 साल सिर्फ जस्ट MBBS करने में तो एक काफ़ी हेक्टिक ये बन जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स वहाँ फ्री एजुकेशन होने के बावजूद जो है जर्मनी को प्रेफर नहीं करते, जर्मनी की तरफ नहीं जाते। तो इसके अलावा एज सच कोई स्कॉलरशिप वगैरह MBBS में नहीं होती। तो इसके बाद एग्जैक्टली उमर, बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये जो आपने बताया ना एग्जैक्टली चाइना में भी वो लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, इसी तरह एक्ट वो कर रहे हैं, होता कुछ नहीं है, फीस ज्यादा बताएंगे और फिर उसमें से हाफ करके, जैसे यहाँ पे होता है ना आपको बर्तन लेने जाए, बर्तन पहले 500 का है वो आपको 2000 का बता के फिर वो आते 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 आपको 700 पे मना लेंगे, ये एग्जैक्ट वो चीज है। अच्छा, एक चीज वाई चूज चाइना। नंबर वन थिंग, जब बच्चे का यहाँ पे नहीं होता, आपने डॉक्टर बनना है, तो नंबर वन थिंग जो चीज आपने देखनी होती है, डिग्री ऐसी यूनि से मिल जाए जहाँ जिसके बाद आपको फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाए। आपने देखना होता है कि आपका USMLE हो जाए, प्लेब हो जाए, आपकी MCIE हो जाए, आपके NLE हो जाए, ताकि लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद आप किसी रिस्पेक्टेबल पोजिशन पे आ जाओ। जिस बच्चे के पास नॉलेज हो चाइना में, उसने पढ़ा हो, जॉब नहीं की हो, वहां पे जाके कोई यू नो याशियों में नहीं पढ़ा हो, मैं बड़ा सीधा होकर बताता हूँ, ताकि यू नो कोई आपको ढके छुपी आप मेरे भाई बहनों की तरह हो, ताकि जो चीज मैं अपने एक भाई को या बहन को बताऊंगा वो आपको बताऊं। अगर आप इन चीजों में नहीं पढ़ते, आप प्रोफेसर के साथ मिलके उनसे क्वेश्चन आप उनसे करते हैं, आप उनसे सीखते हैं, तो यहाँ पे आप आके इजीली एग्जाम पास कर लोगे। किंग एडवर्ड का बच्चा हो, AKU का बच्चा हो, कहीं और का बच्चा हो, जब आप वो एग्जाम पास कर लेते हैं, आपके पास नॉलेज हो, अगले का मुंह बंद करवाना आता हो नॉलेज से ना के बातों से, फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। लेकिन आप बोंगों की तरह, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आप चुप
चुप करके वहां पे बैठ जाएं तो फिर तो वो बोलेंगे कि चाइना द डॉक्टर है, ये चीज बाकी होती है। तो इसीलिए ए डिग्री हो, ए क्लास की जो यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, उसके बाद WHO से रिकॉग्नाइज्ड हो, उसके बाद WDOMS एक वर्ल्ड डायरेक्टरी है वहां पे आपकी यूनिट का नाम होना चाहिए, उसके बाद आप USMLE या प्लैब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश में वो स्टडी करवाते हो, HSK 4 आपका पहले साल में नहीं देना पड़े जिस यूनिवर्सिटी में ये सारी चीजें कैटेगरीज पूरी होती हैं, बेशक आंखें बंद करके वहां पे एडमिशन लें। एंड चिचिहार इज वन ऑफ देम। अच्छा निशान, एक आपने मेंशन भी किया इंग्लिश में MBBS होगा, तो काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि चाइना में कहीं चाइना लैंग्वेज में स्टडी तो नहीं है, इसको थोड़ा क्लियर कर देंगे, इंग्लिश में स्टडी होगी। उमर, एक चीज जो कि आपने चाइना में बिल्कुल पढ़नी है वो चाइनीज लैंग्वेज होती है, एक नंबर वन थिंग जो चाइना के सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद चाइनीज कल्चर होते हैं जो कि सेकंड ईयर तक आपने पढ़ना होता है, चाइनीज लैंग्वेज के लेवल होते हैं हन्यू शोइफिंग खाओशी, उसका नाम होता है HSK, उसके लेवल होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनका मोस्ट एडवांस होता है, जो डॉक्टर जिसने लाइसेंस लेके वहां पे ही आपने जॉब करनी है उसको HSK 6 पास करना है, लेकिन अगर आपने डिग्री तक सिर्फ रहना है तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में सिर्फ आपको HSK 4 पास करना है, वो 4 पास करना, अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपने पहले साल जाते सारी वो HSK 4 पास करना है और उसके बाद हम आपको यूनिवर्सिटी में मेडिकल पढ़ाएंगे तो वो आपसे पास नहीं होता, आपका साल भी जाया होता है और आपके पैसे भी जाया होते हैं। यहाँ पे टेक अवे होम मैसेज ये है कि आपने उस यूनिट में एडमिशन नहीं लेना, चाहे वो जैसी भी है, एजेंट आपको जो भी कह रहे हैं कि हम आपको एजेंट्स के थ्रू वो टेस्ट पास करवा देंगे, जब आप एक्चुअल में चले जाते हैं एजेंट्स के पास पैसा चला जाता है, आप जाएं भाड़ में, उनको कोई कंसर्न नहीं है, उनकी थिंकिंग बता रहा हूं, मेरे लिए आप बड़े प्यारे हो, मैं नहीं चाहता कि आप मिसगाइडेड हो। तो निशान ने बताया कि जो आपकी स्टडी है इंग्लिश में ही होगी और दूसरा जो है एग्जैक्टली हमारी यूनिट में सिर्फ पहले साल में आपको साथ साथ में ये भी पढ़ाते हैं, मेडिकल भी पढ़ाते हैं और इंग्लिश में टोटल होते हैं, जो चाइनीज के सब्जेक्ट होते हैं उनकी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है ताकि आपको समझ भी आ जाए और आप पढ़ भी सकें, और जो मेडिकल के सब्जेक्ट होते हैं वो टोटली आपके इंग्लिश में होते हैं। और साथ इन्होंने बताया कि जो लैंग्वेज है चाइना की लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी और जाते ही आपको सीख के टेस्ट पास, या जर्मनी अगर आपने जाना है तो पहले आपको लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा, फाउंडेशन ईयर करना पड़ेगा, फिर आगे जाकर 6 साल MBBS, यहाँ आप जाके जाते ही स्टडी आपकी MBBS की स्टार्ट हो जाएगी इंग्लिश में और साथ साथ आप थोड़ा बहुत सीखते रहेंगे लैंग्वेज, और वो इन्होंने निशान ने बताया कि इतना मुश्किल नहीं है जब आप वहाँ पे रह रहे होंगे साथ और सीख के, वो आपके लिए डिफिकल्टी नहीं होगी, जाते ही जाके पास करना वो एक डिफिकल्टी होती है। तो नेक्स्ट ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे, बहुत से जो कंसल्टेंट्स हैं या लोग जो स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि चाइना में 10 लाख में MBBS हो जाएगा क्या, या 15 में हो जाएगा, या 25 में, और कोई कहते हैं 20-25 लाख, तो इसमें पहले होता था कि 20-25 लाख में MBBS हो जाता था जब डॉलर ऑलमोस्ट 120-130 पे हुआ करता है, तब रियलिटी थी 20-25 लाख में चाइना से MBBS हो जाता, लेकिन अब डॉलर जो है 230 पे चला गया। तो अब जो है जिशान से पूछते हैं कि ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, मैं पर ईयर पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं जिशान से भी यही कहूंगा कि जनरल एक पेरेंट ने अगर भेजना है तो उसके माइंड में क्या रफ एस्टिमेट हो कि 5 ईयर्स। उमर, आपको एक मैं बात बताता हूँ, मेरे ज्यादा देखने वालों को ये बात पता भी नहीं है, जब हमने फर्स्ट ईयर की फी पे की थी ना, तो आपको पता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन, कभी भी फाइनेंशियली बंदा स्टेबल बिल्कुल ऐसे नहीं जाता, कभी आपके ऊपर वाले दिन आ जाते हैं, कभी नीचे वाले दिन आ जाते हैं। जब मैंने एडमिशन चाइना में लिया था ना, हमारे वो नीचे वाले दिन चल रहे थे, हमने जो हमारे पास ट्रैक्टर था एसेट में, हमने वो बेच के एडमिशन करवाया था चाइना में। मुझे उस हर बच्चे का एहसास है जो पाकिस्तान से चाइना जाना चाहता है, यहाँ पे एक मेंटेलिटी होती है कि आपने बचत के लिए, वरना हर बंदे का दिल है वो पाकिस्तान में रह के ही प्राइवेट में एडमिशन करवाए, बच्चे का यहाँ उसकी आंखों के सामने उसका बेटा बेटी बहन भाई हो, यहाँ प्राइवेट में वो करवाए, हर बंदे का दिल ये होता है। लेकिन चाइना क्यों चूज करते हैं कि डिग्री हमें थोड़ी सी सस्ती में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे कुछ, मैं उनको कुछ नहीं बोलने वाला, उनका अपना दीन ईमान है, वो जो मर्जी करें, मैं सिर्फ पॉइंट आउट करूंगा आपने उन बच्चों बंदों से बचना है। चाइना में पहली दफा यूट्यूब पे जो बातें मैं बताने लगा हूँ, यूट्यूब पे आपको कोई भी ये बातें नहीं बताएगा जो भी मैं बताने लगा हूँ। चाइना में दो तरीके से डीलिंग होती है, एक डीलिंग बेसिकली चाइना में डायरेक्ट चाइनीज स्टूडेंट चाइनीज टीचर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डील नहीं कर रहे होते, हर यूनि में एक बेसिकली उन्होंने रिप्रेजेंटेटर रखा होता है, वो फॉरनर होता है, नेपाली हो जाता है, इंडियन हो जाता है, या पाकिस्तानी हो जाता है, जैसे कि मेरी यूनि में सर संदीप हैं नेपाल से। अब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं चिचिहार में, आपने उनको हैंडल करना है, यानी कि वो हमारे एक तरह के माई बाप हैं, जो भी डिसाइड करना है उन्होंने करना है, समझ रहे हैं, हेड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप उनको कह। अब एक फीस उनकी होती है,
मैनेजमेंट की और एक फीस होती है चाइनीज यूनिवर्सिटी की, पहली दफा की सिर्फ। अब वो आपने दोनों देनी है तो आपका एडमिशन होगा, और साथ में जो आपका एडमिशन करवा रहा है उसने आपके लिए इतना भागना है, इतना उसने आपके लिए काम करना है, जहरी सी बात है वो भी आपसे चार्जेस लेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों की मद में सिर्फ सारे का सारा पैसा थोप देते हैं कि ये सर संदीप ही ना 10 लाख मांग रहे हैं, 8,000 युआन सिर्फ मैं ले रहा हूँ जो यू नो सर संदीप के डाल के, लेकिन यहाँ पे एजेंट्स पता क्या ले रहे हैं, 18,000, 10,000 युआन मुझसे ज्यादा ले रहे हैं। 10,000 युआन आपको पता है कितना बनता है, 4 लाख, जहाँ पे मैं उनसे 2 गुना से भी कम ले रहा हूँ। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप, यहाँ पे एजेंट उसी मद में यू नो उनको एक छोटी सी एक गैप मिल गया है, उस गैप में से ये कितना पैसा निकाल रहे हैं। अब आते हैं फीस की तरफ, आपको चीज मैंने समझा दी है ना ये कैसे लूटते हैं, किसकी मद में लूटते हैं। अब आपको दूसरी चीज बताता हूँ, दूसरी चीज ये है कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड आपकी फीस सिर्फ 2 तरह की होती है, एक यूनि की होती है और एक हॉस्टल की होती है, उसके अलावा कोई एजेंट कोई मैनेजमेंट कोई कुछ नहीं होती। फर्स्ट ईयर में मैनेजमेंट की होती है, जिसमें सिर्फ हर बंदे ने यू नो आपको लाइए हो पैसे, लाइए हो पैसे, जितना भी पैसा लाया हो कम है, जहां पे कोई फंस गया वहां पे वो। और एवरेज अमाउंट आपको बता देता हूं, जैसे मेरी यूनि है चुचीहार, इसमें 10 लाख से लेके 12 लाख तक है फर्स्ट ईयर की, अगर एजेंट्स के थ्रू करवाते हैं वही 12 लाख में भी 16 लाख बन जाए। उसके अलावा आपकी जो सेकंड ईयर की है 6.5 लाख से लेके 7.5 लाख के दरमियान वेरी करेगी आरएमबी के रेट पर, आरएमबी का रेट हो सकता है नीचे चला जाए, फीस भी नीचे चली जाए। हमारे टाइम पे यही फीस बनती थी 4.5 लाख, आज 6.5 लाख बन रही है, सिर्फ किसकी वजह से, आरएमबी का रेट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली निशान 40-50 लाख कह सकते हैं कि 5 इयर्स के अभी के रेट के मुताबिक ना 55 लाख तक आपका डिग्री कम्प्लीट हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसिस, अगर आप खाना भी डाल के सारा कुछ वो करेंगे लाइक बिल्कुल बच्चा वहां पे गया उसने हर चीज करनी है, 65 लाख के अंदर सब कुछ डाल के, खाना पीना ट्रेवल ईच एंड एवरीथिंग डाल के 65 लाख के अंदर आपका हो जाए। एक चीज ऐड करूंगा बस, पाकिस्तान में आपको पता है डिग्री के कितनी अभी मिल रही है, डिग्री कितने रुपए में मिल रही है, 1 करोड़ तो कम से कम आपकी फीस सीधी सीधी यूनि में चली जाएगी जी। ऑलमोस्ट पहले जब पीएमडीसी थी उस वक्त फी जो है ऑलमोस्ट फिक्स होती थी, 9.5 लाख फिक्स कर दी गई थी पर ईयर, और अप्रोक्सीमेट बनती थी 50 लाख 5 साल की फीस। लेकिन जब से ये पीएमसी आई और ये सिस्टम चेंज हुआ, इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस को दे दिया कि आप अपनी मर्जी से अपनी फ़ी रखें, तो हर कॉलेज जो है उनके पास स्टूडेंट तो आ ही जाने, अपनी मर्जी की फ़ी रख रहा है, वही जो 50 लाख में एमबीबीएस होता था 5 साल का, अब वही 1 करोड़ तक 100 लाख तक चला गया। अब पाकिस्तान में जो है 80 लाख 90 लाख मिनिमम आलमोस्ट इतनी होती है जस्ट जो है यूनिवर्सिटी फ़ी, इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस अदर चार्जेस डाल के आपकी मिनिमम भी 120 लाख इतनी आलमोस्ट चली जाती है। तो ये जो जिशान ने बताया मैक्सिमम उन्होंने क्या सारे एक्सपेंसेस हॉस्टल लिविंग वगैरह इंक्लूड करके मैक्सिमम वो बता रहे हैं 65 लाख, अभी के अप्रोक्सीमेट जो है 55 लाख अभी के रेट के मुताबिक मैक्सिमम, जो मैक्सिमम रेट लगा के लाइक अभी जो ऑफलाइन मार्केट में आरएमबी का रेट चल रहा है ना वो 35.70 के अराउंड चल रहा है, मैंने इस रेट को 35 लगा के आपको ये बताया। ये भी आपको थोड़ी ऑन ग्राउंड रियलिटी बताई है कि कोई आपको बता सकता है कि जैसे मैंने आपको जिशान से कहा कि क्या 40-50 लाख लगेंगे, तो उन्होंने बता दिया कि सारे जो चार्जेस इंक्लूड करके मैक्सिमम उन्होंने 65 बताया। तो अब अप्रॉक्सीमेट आपको ये बता सकते हैं 50-55 लाख आपको, और सारे चार्जेस बहुत ज़्यादा आपने अच्छे तरीके से रहना तो 65 लाख। और बाकी नेक्स्ट एक क्वेश्चन रह गया यहाँ ईशान के, एमबीबीएस कितने साल का होगा हाउस जॉब वगैरह के बारे में। ओके उमर, यहाँ पे ना पाकिस्तान में अगर एमबीबीएस देखा जाए ना, जो पीएमसी की पहले यू नो रूल रेगुलेशन थे उसके मुताबिक आपका भी यू नो 5 ईयर की डिग्री है आपकी कंप्लीट डिग्री है, उसके बाद 1 साल का हाउस जॉब है, पाकिस्तान में भी 6 साल तकरीबन लगते हैं लाइक एक प्रॉपर डॉक्टर बनने में। उस अब चाइना की तरफ चलते हैं, चाइना में ये होता है कि आपने पहले 5 साल बेसिकली आपके प्री क्लिनिकल क्लिनिकल 5 साल कंप्लीट हो गए, 1 साल की इंटर्नशिप होती है जो कि प्रॉपर आपने हॉस्पिटल में करनी है, ठीक है, वो आप पाकिस्तान में कर सकते हैं, आप इंडिया में कर सकते हैं, जहां जहां से आप हैं वहां से कर सकते हैं, यूएसए से कर सकते हैं, क्लर्कशिप यूएसए से कर सकते हैं। और उसके बाद पहले रूल्स के मुताबिक जब आप पाकिस्तान आते थे मतलब 5 साल के प्री क्लिनिकल क्लिनिकल 1 साल की इंटर्नशिप 6 साल 1 साल की हाउस जॉब मतलब कि आपकी डिग्री कंप्लीट होती थी या आप डॉक्टर कंप्लीट बनते थे 7 साल के बाद एमओ एचओ के बाद एमओ। लेकिन अब क्या है, अब पीएमसी के न्यू रूल्स के मुताबिक अगर आप वहां से पढ़ के आ रहे हैं और वहां से पढ़ के आके यहां पे एनएलई कर लेते हैं तो आपने हाउस जॉब नहीं करनी,
आपकी जो इंटर्नशिप थी वही आपकी हाउस जॉब है। इट्स मीन कि आपके भी 6 ईयर, हमारे भी 6 ईयर। तो यहाँ पे निशान ने क्लियर कर दिया कोई एक्स्ट्रा साल नहीं आपका लगेगा अगर आप यहाँ से करके आते हैं, तो आपको अब ड्यूरेशन का इशू नहीं है कि पाकिस्तान से करें वहां से करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भी इतना इशू नहीं है, और नेक्स्ट जो है एक्सपेंसिस आपको बता दिए वहाँ जो है आपकी। लेकिन उमर बच्चों को पढ़ना पड़ेगा ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि कहा जाता है कि चाइना से डॉक्टर ये फेल हो रहा है, इससे टेस्ट नहीं पास हो रहा। मैक्सिमम अगर स्टूडेंट वहां जाके अगर स्टडी से डाइवर्ट हो जाएंगे, अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो फिर जो है मैं खुद एक MBBS का स्टूडेंट हूँ और काफी टफ एक स्टडी है, उसको आपको टाइम देना पड़ता है। जब आप उसको टाइम नहीं देंगे तो आके आपको आपसे इधर टेस्ट पास। उमर मुझे एक चीज बताएं, यहाँ पे बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? होते हैं ना, वो लड़की लड़कों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, लड़के लड़कियों में लेना कर दें, रिलेशनशिप्स में आ जाएं, ठीक है पीने पिलाने में लग जाएं। ये बड़ी ये ऐसी स्टिग्मा बना हुआ है ना, मतलब ये हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते, लोगों में स्टिग्मा बना हुआ है कि हम नहीं बात ओपनली इन चीजों की। लेकिन क्यों, ये पार्ट है ना लाइफ का। हमने जितने भी जूनियर्स जा रहे हैं इनको इनसे बचाना है ना, हमने इनको बताना है कि ना यार इन चीजों में नहीं पढ़ना आपने। वो कौन बताएगा, हम ही बताएंगे ना। एटलीस्ट आपने जो आपके रिलेशनशिप इमेच्योरिटी के बेसिस पे बनते हैं वो कभी नहीं कामयाब होते। आपने देखा है कोई फर्स्ट ईयर के जो कपल बने हैं वो शादी उनकी हो रही है? नहीं ना हो रही। इट्स जस्ट डिस्ट्रैक्शन जो कि आपके MBBS से आपको हटा रही है। वहां पे भी सेम यही है, वहां पे कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी वो बच्चे गिनने में नहीं आते, जो यहाँ पे फेल बच्चे कर जाते हैं ना, जिनकी सपनियां वगैरह आ जाती हैं, वो गिनने में नहीं आते। लेकिन MBBS इन चाइना वाले बच्चे थोड़ा से प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते हैं। पहले चाइना गया सी देखो MD के एड नहीं होया, होने इतने भी आके एग्जाम नहीं दे पाया, मतलब कि वो एक पहली नजरों में लोगों की आया होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा बना। वरना कोई फर्क नहीं है, बच्चे वहां से ही आके FCPS कर रहे हैं, MRCP कर रहे हैं, US में लिख रहे हैं, प्लेब कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पे बैठे हैं जो ग्रेजुएट है। डिपेंड क्या करता है, अगर जिशान वहां पे चाइना गया है, जिशान को अकल आई है कि नहीं आई कि यहां पे MD कैड नहीं हुआ, अब मैंने खुद को आगे कुछ दुनिया को अचीव करके दिखाना है। लेकिन अगर आपको अकल नहीं ना आई, भूल जाओ फिर आप। नेक्स्ट निशान, एक गर्ल्स के वाले से पेरेंट्स की काफी कंसर्न होती है कि बेटा है ठीक है लेकिन बेटी है, तो लड़कियों के लिए सेफ्टी के वाले से क्या वहाँ पे? उमर मेरी यूनि में ना 600 फॉरनर हैं, अगर अभी के जूनियर डाल के 800 फॉरनर बन चुके हैं। पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारे जो सीनियर थे वो 600 तकरीबन थे, अभी जो जूनियर डाल के जो इस साल के हैं तकरीबन 800 बन रहे हैं, उनमें से कुछ 400 लड़कियां हैं, लाइक 50%। अब उन लड़कियों में लड़कियां बुरका भी करती हैं, उन लड़कियों में लड़कियां स्कर्ट भी पहनती हैं, मतलब कि वहां पे हमारी हिम्मत नहीं है कि हम किसी लड़की को टोंट मार सकें, हम किसी लड़की की के रूम में विदाउट हर परमिशन जा सकें, हम उस लड़की को डिसरिस्पेक्ट वे में उसको बुला सकें, हम उस लड़की की कुछ भी किसी तरीके से भी डिसरिस्पेक्टफुली हम उसको कुछ भी कर सकें। चाइना में एक दफा अगर लड़की ने आपकी शिकायत लगा दी कि जी इसने मुझे अब्यूज किया, उठा के फेंकेंगे आपको पाकिस्तान। किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती कि लड़की की परमिशन के बिना उसको हरेस कर सके। हरेस वैसे भी परमिशन के बिना ही होता है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं है वहां पे किसी की यहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान में देख लो, रिक्शे पे चलती लड़की को लोग छेड़ के जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में हूटिंग कर रहे हैं, लड़की सामने बैठे हुए पीछे उसको बना के पेजेस मार रहे हैं, होता है ना, आपने देखा होगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे देखा हुआ है, बहुत सारी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन चाइना में किसी की हिम्मत नहीं है, यहाँ से 100 गुना ज्यादा अगर मैं बोलूँ ना, लड़की वहां पे सेफ है, वो सेफ है। लेकिन एक चीज मैं पेरेंट्स को कहना चाहूंगा, अगर आपको अपने बच्चों पे ट्रस्ट है और आपने उनकी तरबियत की हुई है ना, तो चाइना में वो पाकिस्तान से अच्छे मुस्लिम रहेंगे, अच्छे पाकिस्तानी रहेंगे, अच्छे स्टूडेंट रहेंगे। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी तरबियत पे। मगर बात को समझ रहे हैं ना, अगर बंदा खुद को खराब करना चाहे ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी मिलकर उसको ठीक नहीं कर सकती। पॉइंट ये समझने का है कि आपने खुद ठीक पहले रहना है। अगर आप वहां पे जाके क्लब्स में जा रहे हैं, किसने आपको रोकना है यार, मतलब कौन रोक सकता है आपको? अगर आपको वहां हमारे जैसे सीनियर नहीं मिल रहे जो आपको कहते हैं भाई नहीं जाना, ये नहीं ऐसी अच्छी जगह, अगर एक लड़की है वो नहीं अपनी उस वे में रह रही, कौन रोकेगा उस? पॉइंट समझने वाला है, आपने बच्चों की तरबियत करके भेजनी है। यहाँ पे भी ऐसे है, यहाँ पे भी सब हो रहा है। जो पॉइंट सेफ्टी वाला था ना, वो तो आपको समझ आ गया, सेफ्टी की कोई बच्ची को या बच्चे को इशू ही नहीं है। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ हमारा वो बड़ा अच्छे दोस्ताना है, कोई उसमें डिसरिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप नहीं है हमारे, कोई ये नहीं है कि हम अंदर कुछ है इसलिए बात कर रहे हैं, बड़ा प्रोफेशनल बिहेव होता है हमारे यहाँ, ठीक है, एक रिस्पेक्टेबल में एक दूसरे से कोई सीख रहा है,
कोई यू नो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना हुआ है, कोई कंसर्न नहीं है, जेंडर वो नहीं है कि आप डिफरेंस कर रहे हैं। थैंक यू ईशान, वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गई है और अब मैंने डिसाइड किया है कि जो प्रोसीजर वाला रह चुका है एक पार्ट इसका, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल से, ये ऑलरेडी 29 मिनट की 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो इसको पार्ट वन हम रखते हैं वीडियो को। और इतनी डिटेल्ड जो हमारी डिस्कशन हुई है MBBS इन चाइना के बारे में, यूट्यूब पे मैंने काफ़ी देखा है, तो इतना कुछ अब मुझे समझ आया यूट्यूब पे इस तरह से MBBS इन चाइना के बारे में या MBBS के अब्रॉड में अवेलेबल नहीं है डिटेल से। तो वीडियो लेंथी हो गई है उसकी वजह से, अब जो प्रोसीजर है MBBS में अगर आपने एडमिशन लेना है तो प्रोसीजर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है पार्ट टू में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो मज़ीद प्रोसीजर अगर आप पूछना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर भी जो है MBBS का के बारे में एडमिशन प्रोसीजर पूछ भी सकते हैं और एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच उमर फॉर हैविंग मी।